जो नरमे का होता है ना बीज, वो मोटा होता है इतना, तो कपास का बीज बारीक होता है। कपास कहोगे, कपास लगती है। आज तो 5-6 साल पहले जब दूसरी हमारी नरमे की फसल हाईब्रिड वगैरह खत्म हो रही थी, तो उसमें एक चमत्कार आया, बीटी कॉटन। ऐसा हुआ कि बीटी बन आया, फिर बीटी टू लेने लगे, बीटी बन तो फेल हो गया। ऐसी क्या होने चलेगा चक्कर, बीटी 3-4 चलेगा। पहले कहते थे एक स्प्रे से हो जाएगा ठीक, तो आज की तारीख में वही बीटी 20-20 स्प्रेहों पर पहुंच गया। जैविक खेती में मैं इसलिए आया क्योंकि मेरी माता जी का देहांत कैंसर से हुआ था। हाँ, उस वक्त मेरे मन को धक्का लगा। मैंने सोचा ये केमिकल वाली खेती बदलनी चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव चाहिए। जब असी केमिकल वरतते हैं, छिड़काव करते हैं, उस पानी का जब यूज वरतते हैं, तो उसमें अपने पीने वाले पानी या कस्सी का जो आता है उसमें भी केमिकल मिलता है। पहले जो आज तो 30 साल से ना पंजाब में दूध की नदी बहती है, पंजाब जे है, पंजाब के नौजवान जे हैं, पंजाब का बड़ा अच्छा है, तो उसको उल्टा कर लेना चाहिए। आज सभी जो बुराई है ना, सभी जो गलत चीज़ें वो पंजाब में होती हैं। क्या सोच सकते हैं पंजाब की धरती को कैंसर हो गया? कैंसर है पंजाब की धरती को। तो नशे का कारण ऐसा होता है, नशा एक तो थोड़े समय के लिए ज़्यादा काम करता है बंदा, उसके बाद काम कम करेगा, नशा ज़्यादा खाएगा जी। और जितना नशा ज़्यादा खाएगा उतना खून खत्म हो जाएगा उसका, उसकी सेहत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये ऐसा हमारी खेती के साथ हुआ। उनको एक जो मॉडल बना दिया ना, उनके दिमाग में एक जो कर दिया कि जो फसल होती है उसमें जितना डालोगे उतना निकलेगा। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में बहुत अंतर है। उसको एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बना दिया, एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन नेचर। केमिकल वालों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ फसल में, कुछ खेतों में तो 99% तक नुकसान हो गया। ये जो वैरायटी है जिसमें हम खड़े हैं, ये हमारी यहाँ की देसी किस्म है। तो फसल भी गई और ना कर्जा भी दे गई। फिर किसान खेत में जाता है, जिसने 5 किले है, 5 किले ठेके में कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, जब उसने एक बड़ा नक्शा बना रखा है, हम इससे इतना की कॉटन हो जाएगी, हम इतना हो जाएगा, हम ये कर देंगे। जब वो खेत में जाता है, देखता है कैसे करता है, फिर जो स्प्रे उसमें छिड़कनी होती है, फिर वो पी लेता है, तो जहाँ ही लुटके जाता है। जो औरत खेत में गई जी। उसने नरमा देखा को बुरी तरह उजड़ गया था, नरमा खराब हो गया था,
उसने जो नरमा देखा घर में आकर उन्हें खुदकुशी कर ली। राजदीप कौर भी राजदीप राजवीर 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 Punjab, the land of five rivers, abundant waters, fertile soils, and the most hard-working farmers that the world has known, has today been ruined, first by a monoculture chemical farming of the Green Revolution in the 60s, which desertified the soils, ruined the water, already impoverished Punjab farmers, and that is why in 1984, farmers were rising in revolt. Sadly, the farmers' protest was twisted into being presented as if it was about religion. It never was. It was about the land, about the farmers, their livelihoods. Today, there's a second tragedy taking place. The tragedy of BT cotton, sold by a multinational, requiring more pesticides, even though it was sold as a pest control agent, as a substitute to pesticides. This tragedy has left farmers in debt, pushed them to suicide, and even as they protest and they talk for unity, there is an attempt to divide again on the basis of religion. We stand with the farmers of Punjab. We stand with the soils of Punjab. We stand with the waters of Punjab. We stand with the futures of Punjab to build an agriculture that will once again bring prosperity through biodiversity, through ecological farming, and through the rights of farmers to their seed, to their land, to their water, to the returns on their hard work for being the annadatas of society.